गुड इवनिंग गाइस, सो स्वागत है आपका इस सीरीज नंबर वन में, जिसमें हम लूप्स के बारे में बात करने जा रहे हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आइए चलिए शुरुआत करते हैं इस जबरदस्त सीरीज की, जिसमें बैक टू बैक 15 वीडियोस आपको मैं देने वाला हूं। अगर आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज ध्यान रखें, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन सीरीज और वेरिएबल्स सीरीज जरूर देखनी चाहिए, नहीं तो ये सीरीज आपको ज्यादा समझ नहीं आने वाली है, राइट? तो आइए गाइज इंसर्ट करते हैं मॉड्यूल, ये सब हम सीख चुके हैं। और आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो सबसे पहले बात करने जा रहे हैं फॉर नेक्स्ट लूप की। तो फॉर नेक्स्ट लूप की मैं बात करने जा रहा हूं और ये मेरा एग्जांपल नंबर वन होगा। इस तरीके से आइए प्रोग्राम शुरू करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि लूप्स हम यूज क्यों करते हैं वीबीए में, ठीक है? मैं आपको बता देता हूं, लेकिन ज्यादा आपको समझ तब आएगा जब हम प्रैक्टिकली इसको करके देखेंगे। देखिए लूप्स क्या होता है, अगर आप कोई भी एक स्टेप आप बार बार कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसमें हो सकता है कि वैल्यूज हर बार चेंज हो रही है। जैसे आपके दो नंबर्स हैं, दो नंबर्स को आप एड कर रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि वो दो नंबर्स बार बार चेंज होते जाते हैं, तो आपको वो 10 बार एड करना है, 10 बार अलग अलग नंबर्स एड करने हैं, तो वो 10 बार कॉपी पेस्ट कोड करने की जगह आप एक लूप चला देते हैं और वीबीए को बोल देते हैं कि यही सेम कोड 10 बार चलना चाहिए, लेकिन उसमें जो वेरिएबल पड़ा है वो 10 की 10 बार जब चले तो नई नई वैल्यूज लेता रहे, ठीक है? इससे कुछ आपको आइडिया मिला होगा, लेकिन जब कोड लिखेंगे तो ज्यादा समझ आएगा। तो फॉर नेक्स्ट लूप क्या है? फॉर नेक्स्ट लूप एक्चुअली आपको ये बताता है कि कितनी बार आप एक लूप को रन करना चाहते हैं। 5 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार, 1000 बार, 1 लाख, जितना मर्जी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है? सबसे पहले हम देखेंगे इसको कैसे लिखा जाता है। इसको लिखने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। मैं ऑप्शंस में जाके सबसे पहले अपना इसका थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देते हैं 12, और अब मैं इसको लिखना शुरू करूंगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना एक वेरिएबल डिक्लेयर करें, वेरिएबल कोई भी हो सकता है। मैं डिम आई एस मान के चले इंटीजर डिक्लेयर कर देता हूं, क्योंकि मैं ये इंटीजर 32000 हमारी जो वैल्यू थी, आपने पीछे देखा होगा वेरिएबल सीरीज में, इतना बड़ा लूप मैं नहीं चलाने वाला हूं, तो इंटीजर चल जाएगा। चलाने को आप बाइट भी चला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? चलिए बाइट कर देते हैं, थोड़ा सा आपको पुराना रिविजन भी हो जाएगा। अब आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, फॉर आई इक्वल्स टू जो भी आपका वेरिएबल होगा, आई जे के एल जो भी आपने डिक्लेयर करना है, आप लिखेंगे फॉर आई इक्वल्स टू 1 to 5, अगर आपको 5 बार ये लूप चलाना है। और यहाँ पे आप लिखेंगे नेक्स्ट आई, ये बहुत जरूरी है, नेक्स्ट आई याद रखिएगा, फॉर के साथ हमेशा नेक्स्ट आता है, इसीलिए उसको फॉर नेक्स्ट लूप कहा जाता है। और नेक्स्ट का मतलब ये है कि यहां पर आकर आई की वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, यानी कि हम ये कह रहे हैं कि आपको ये लूप 5 बार चलाना है, और 5 बार चलते हुए ये 1 से स्टार्ट होगा और 2 पे जाएगा, 3 पे जाएगा, 4 पे जाएगा, 5 पे जाएगा, जैसे ही 5 पे जाएगा अपने आप आपका कोड लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है? तो इसको रन करने के लिए हम एक सिंपल सा कोड लिखते हैं। मैंने आपको पिछले इंट्रोडक्शन सीरीज में बताया था कि एक मैसेज बॉक्स होता है कमांड, हम ये लिख सकते हैं मैसेज बॉक्स, और इस पे मैं प्रॉम्प्ट दे रहा हूं जो आई की वैल्यू है ये, ठीक है, ताकि हमें पता लग जाए कि लूप कैसे चलता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो जब भी ये लूप चलेगा 5 बार, हर बार जब ये चलता जाएगा एक एक करके वन बाय वन स्टेप बाय, तो इसकी वैल्यू आई की हम देखना चाहते हैं मैसेज बॉक्स में, ठीक है? ये वेरिएबल है मेरा, तो आइए इस पे शुरुआत करते हैं और लोकल विंडो ऑन कर लेते हैं अपना फटाफट। लोकल विंडो आपको याद होगा जो हमने वेरिएबल्स में किया था, ठीक है? तो ये मैंने यहाँ पे डबल फिट कर दिया ताकि हमारी यहाँ पे नजर बनी रहेगी। तो आइए अपना कोड स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसको एफिट करने वाला हूं, और ये एफिट करते ही आप देखें आपका लोकल वेरिएबल थोड़ा सा इसका विड्थ बढ़ा देते हैं, या उठा के इसको थोड़ा सा बाहर कर देते हैं, आई थिंक ये बेटर रहेगा, या यहाँ पे कर देता हूं मैं, ठीक है? तो आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है। अब आप जैसे इसको रन करेंगे, आप देखें जैसे मैं इसको रन करूंगा, सबसे पहले ऑटोमेटिकली आई की वैल्यू 1 होगी। इसका मतलब ये फर्स्ट टाइम आपका लूप रन होने जा रहा है। अब इसमें आई की जो भी वैल्यू होगी वो हमें मैसेज बॉक्स में मिल जाएगी। तो मैं इसको जैसे ही रन करूंगा आपके पास मैसेज बॉक्स में आएगा 1, ठीक है? नेक्स्ट आई, नेक्स्ट आई का मतलब अब टर्न है नेक्स्ट आई की। नेक्स्ट आई कौन सा होगा 1 के बाद? 2, ठीक है? ऑटोमेटिकली तो नेक्स्ट आई क्या करता है, आई की वैल्यू चेंज कर देता है। आप देखें आई की वैल्यू 2 हो चुकी है और ये लूप अपने आप अंदर चला गया। अब मैं इसको जब रन करूंगा ये हो गया 2, अब मैं इसको फिर दोबारा से रन करूंगा ये हो गया 3, उसके बाद ओके किया, फिर मैंने इसको रन किया ये देखिए ये हो गया 4, उसके बाद मैं इसको फिर रन करूंगा ये हो गया आपका 5, ठीक है? अब क्या, अब जैसे ही नेक्स्ट आई रन करेगा आपकी आई की वैल्यू हो जाएगी 6, ठीक है? आई की वैल्यू आप देख रहे हो 6 होगी। तो जैसे ही 6 हुआ ऑटोमेटिकली प्रोग्राम आपका लूप से बाहर आ गया। वीबीए बहुत इंटेलिजेंट है,
VBA आपकी instructions के according ही चलेगा, intelligent कह लीजिए या कह लीजिए, जिस जैसा आप उसे बोलेंगे वो वैसा ही program run करेगा। तो जब मैं 1 to 5 बोलता हूं तो वो 5 बार loop ही चलेगा। अब यहाँ पे बहुत लोग confused हो जाते हैं इस बात को लेके कि यहाँ पे जो हमने I use किया है क्या इसका इसके साथ अंदर कोड के साथ कोई रिलेशनशिप होता है? बिल्कुल नहीं। ये I मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं, मैं यहाँ पे कुछ और भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है। ये तो मैंने सिर्फ आपको डेमो दिया है, पहला कोड है, थोड़ा सा सिंपल रखेंगे। लेकिन एक चीज याद रखिए, अगर 1 to 5 आप लिख रहे हैं इसका सिर्फ ये मतलब है कि VBA कोड जो आपने अंदर लिखा है इनसाइड विल रन 5 times, ठीक है। यहाँ पे अब कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 10 लाइन का कोड भी हो सकता है, 50 लाइन का कोड भी हो सकता है, 500 लाइन का भी कोड हो सकता है, वो डिपेंड करता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, ठीक है। कुछ लोग ये भी मुझसे पूछेंगे कि आपने जो नेक्स्ट आई लिखा है क्या ये लिखना जरूरी है? बिल्कुल नहीं, आप इसको नेक्स्ट भी छोड़ सकते हैं, बाय डिफॉल्ट वो आई ही कंसीडर करेगा। लेकिन मैं इसको लिखना पसंद करता हूं, और मैं इसको लिखना क्यों पसंद करता हूं इसका मैं रीजन आपको जब सही समय आएगा उस टाइम बताऊंगा, ठीक है। तो ये आपका पहला लूप है, बिल्कुल सिंपल लूप था, आपने फॉर लिखा, नेक्स्ट लिखा, ये आपको याद रखना है, ये स्टैंडर्ड सिंटेक्स है, इसमें कोई चॉइस नहीं है, ठीक है। I equals to 1 to 5, अगर आपने कहीं भी कोई गड़बड़ कर दी, जैसे आप ये लिखना भूल गए, अब आप इसको जैसे ही रन करने की कोशिश करेंगे वो आपको बोलेगा कि 2 is expected, आपको 2 यहां लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। काफी जब हम नए नए लूपिंग सीखते हैं तो आप ये equals to साइन लगाना भी भूल सकते हो, तो वो आपको अलाउ नहीं करेगा, वो कहेगा एक्सपेक्टेड इक्वल्स टू। तो बहुत सिंपल है, आपको लूप चलने ही नहीं देगा वो आगे, और आपको पता लगेगा कि लूप में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। अब ये तो मैंने एक छोटा सा आपको लूप बनाया था, लेकिन अब हम एक काम करते हैं, क्योंकि हमने सेल्स की कमांड लर्न की थी इंट्रोडक्शन सीरीज में, आपको याद होगा, रेंज की कमांड्स लर्न की थी, अब समय सही समय आ गया है, अब हम इसका लूप में बड़े अच्छे तरीके से यूज करेंगे। तो मैं एक और लूप आपको बना के दिखाता हूं, और उसमें हम क्या करने वाले हैं गाइज, उसमें मैं यहाँ पे 1 1 1 1 1 10 times प्रिंट करने जा रहा हूं, ठीक है। शुरुआत में तो हम ऐसे ही छोटे छोटे लूप्स बनाएंगे, तो ये मैं करने जा रहा हूं, मैं इसको डिलीट कर देता हूं, आपको मैंने दिखा दिया कि क्या आउटपुट हम लेके आएंगे। अब इसके लिए आप चाहें तो वीडियो पॉज करके अपना एक्सेल खोलें और ट्राई करने की कोशिश करें, नहीं तो आप अभी ये देख लें, क्योंकि अभी आप नए नए हैं तो मुझे लगता नहीं कि आप ये एकदम बना पाओगे, बट आइए इसको एक बार मैक्रो को बनाते हैं। तो मैं इसका नाम देता हूं फॉर नेक्स्ट 2, ठीक है, मैंने इसका नाम दे दिया। अब इसके बाद हमें करना क्या है, अब देखिए मुझे लूप चलाना है 10 बार, तो आप अपना वेरिएबल डिक्लेयर करें, इस बार मैं इसको लॉन्ग कर देता हूं, बाइट जो भी आपने करना है, क्योंकि बाइट भी आप कर सकते हैं, छोटा नंबर है तो बाइट भी चलेगा। उसके बाद फॉर जे इक्वल्स टू 1 to 10, ठीक है, मैंने जानबूझ के जे डिक्लेयर किया है ताकि आप ये ना सोचें कि आई ही डिक्लेयर करना होगा, आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब 10 times ये लूप रन होगा, लेकिन इसमें होना क्या चाहिए, ये अब हमारा मेन प्रोग्राम है, ठीक है, क्योंकि ये तो 10 times रन कर देगा जो भी यहाँ पे आप VBA कोड लिखेंगे। तो अब हमारा मेन काम शुरू होता है। तो मैंने आपको बोला है कि हमें 1 1 1 1 1 1 हर जगह जो है प्रिंट करवाना है। अब आप ध्यान से सोचें, 1 प्रिंट होगा, ठीक है, लेकिन किस तरीके से प्रिंट होगा, A1 में, A2 में, A3 में, A4 में, A5 में, A6 में, A7 में, क्या हो रहा है? कॉलम तो वही है, कॉलम ए नहीं चेंज हो रहा आपका, लेकिन आपकी रो नंबर्स एक एक करके इंक्रीमेंट हो रही है। तो यहां पे आपका वो ऐसा कुछ कोड बनना चाहिए जो एक एक करके आपको नई नई नेक्स्ट रो में लेता जाए। अब सबसे पहले आपका दिमाग जो चाहे वो ऐसे चलना चाहिए, क्योंकि आप बिगनर हो, आप बोलोगे कि A1 पे चलो वैल्यू प्रिंट कर देते हैं और मैं लिख देता हूं 1, ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टेंट है, 1 ही चाहिए, ऐसे लिखते हैं हम, आपको याद होगा। लेकिन अब अगर आप ये कोड रन करेंगे तो क्या होगा कि 10 बार वो A1 पे ही वैल्यू को प्रिंट करता रहेगा बार बार। जैसे मैं इसको देखिए, अभी मैं इसको रन करता हूं फटाफट से, अब देखिए क्या होगा, ये देखिए A1 पे 1 आ गया, अब A1 पे ही वो ये 1 प्रिंट करता रहेगा 10 बार। लोकल विंडो में नजर रखें गाइस, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, और अब कहानी आपकी खत्म, ठीक है। कुछ हुआ, जो हमें आउटपुट चाहिए थी वो तो नहीं हुई, क्यों, क्योंकि A1 जो है वो चेंज ही नहीं हो रहा है, A1 को डायनामिक बनाना है, A2 बने, A3 बने, A4 बने अपने आप, यही मैंने आपको भी बताया था, यही लूप्स का कमाल होता है, ठीक है। अब अगर आपको लूप्स नहीं आती हैं तो आप क्या बोलोगे, तो आप ये बोलोगे ठीक है, अगर आपने इंट्रोडक्शन सीरीज देखी है
और वेरिएबल्स का आपको नॉलेज है जो मैंने सीरीज बनाई थी, तो आप ये करोगे, इसको एक टेस्ट के नाम से मैक्रो बना देते हैं, हालांकि मैक्रोस का नाम हमेशा अच्छा दें, आप ऐसा ही कुछ करोगे, मुझे पता है। आप बोलोगे a1.value equals to 1 और इसी लाइन को उठा के आप कॉपी पेस्ट कर दोगे। मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा, मैं ज्यादा नहीं इस पे जाऊंगा, आप समझ गए होंगे मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक एक करके ये करता जाऊंगा। अब अगर मुझे ये 100 बार प्रिंट करवाना हो तो क्या हम इस कोड को 100 बार कॉपी पेस्ट करके इसको A5, A6, A7, A8 करेंगे? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, ये तो हमने करना ही नहीं है। मैनुअल काम अगर हमें करना है तो हम VBA सीख ही क्यों रहे हैं, राइट? हमें एक्सेल से काम करवाना है, एक्सेल के लिए हम उसके बॉस हैं। इंस्ट्रक्शन दीजिए, आराम से बैठिए, अपना ज्यादा लंबा कोड है तो बटन क्लिक करके अपना चाय कॉफी टी ब्रेक में भी आप जाके आ सकते हैं, अपना वापस आइए और देखिए मैक्रो आपको आउटपुट बना के रखेगा। मतलब इस कंसेप्ट से आपने काम करना है VBA में, ठीक है? तो अब मैं यहाँ पे करने जा रहा हूं क्या, इस लाइन को मैं चेंज करने जा रहा हूं। देखिए आप एक्सेल में जब होते हैं तो क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे 4 लिख दूं और अजय लिख दूं, एक्सेल के स्किल आपके यूज होने वाले हैं, आपको एंड ऑपरेटर तो सबको पता ही होगा, ये क्या करता है, कंकैटिनेट कर देता है, राइट? अब मैं आपको बोलूं कि मुझे अजय 5 चाहिए तो आप क्या करेंगे, 5 कर देंगे, ऑटोमेटिकली आपका आंसर अजय 5 हो जाएगा। अगर मैं कहूं मुझे अजय 6 चाहिए तो आप क्या करेंगे, अजय 6 कर देंगे। अजय को चेंज नहीं करेंगे लेकिन इसको चेंज करते रहेंगे। तो क्या हो रहा है, आपने जब इसको ज्वाइन किया तो ये चेंज होता जा रहा है और ये चेंज होने की वजह से आपकी आउटपुट चेंज होती जा रही है। यही कमाल आप VBA में करने वाले हैं। आपको पता है कि ए तो मेरा कॉन्स्टेंट है, ए कभी चेंज नहीं होगा, इसको हटाएं यहां से, ठीक है? ये यहां पे प्रॉब्लम कर रहा है, इसको ज्वाइन करें एंड के साथ और यहां पे क्या लगाएंगे, अब आप यहां पे लगाएंगे आप जे। जे क्यों, क्योंकि जे आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक चलेगा और ये ऑटोमेटिकली जब 1 होगा ये A1 हो जाएगा, जब ये 2 होगा ये A2 हो जाएगा, जब ये 3 होगा ये A3 हो जाएगा एंड जब ये 4 होगा तो ये A4 हो जाएगा। बस काम तमाम, आप इसको रन करना शुरू करें, लोकल विंडो पे अपनी नजर रखें, ठीक है? मैं स्लो चलूंगा। सबसे पहले जे की वैल्यू लोकल विंडो में देखिए, मैं बार बार आपको यहाँ पे ऐसे ये माउस नहीं लेके आऊंगा, आप देखते रहे। जे हो गया 1, जे का 1 का मतलब क्या है, आप यहाँ पे हावर करके देखें, 1 1 को आप ए के साथ जब ज्वाइन करेंगे तो दोस्तों A1 बन जाएगा। A1 बन गया तो वैल्यू कहां जाके प्रिंट होगी, ऑब्वियसली A1 पे, ठीक है? A1 पे पहली वैल्यू लिखी इसलिए आपको कुछ नहीं दिखा होगा अभी, चेंज आगे चलते हैं। आई क्या हो गया, लोकल विंडो पे चेक करें, जे क्या हो गया 2, तो अब ये क्या हो गया 2, तो A और 2 जब ज्वाइन होंगे तो क्या बनेगा A2, वैल्यू क्या प्रिंट होगी वहां पे 1। तो मैं इसको रन करता हूं और ये 1 हो गया। ये पूरा सिलसिला इस तरीके से चलता जाएगा क्योंकि J की वैल्यू चेंज हो रही। तो आपने बड़ी स्मार्टली J को दो तरीके से यूज कर लिया, ठीक है? मैं बताता हूं अभी, पहले इसको खत्म कर लेते हैं। लोकल विंडो पे ये लास्ट टाइम रन हो रहा है, 10 आ गया और कोड आपका खत्म हो गया, ठीक है? अब देखिए मैंने J को यहां भी यूज किया, VBA को बताया कि आप इसको 10 टाइम्स यूज करें। उसके साथ साथ मैंने क्या किया, उसके साथ साथ मैंने जे को कोडिंग के अंदर भी यूज कर लिया क्योंकि मुझे 1x1 एक रो के नीचे दूसरी रो में जाना था, फिर तीसरी में, फिर चौथी में, तो इसी वजह से मैंने ये जे को बड़ी स्मार्टली यहाँ पे यूज कर लिया, ठीक है? इस तरीके से। अब इसी पे एक क्वेश्चन आपका, ये अब आप लोग खुद करेंगे, वीडियो पॉज कर ले, ठीक है? मैं आपको कहता हूं कि आपको यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेके आना है। अब कोड मैंने आपका चेंज कर दिया, आपके लिए नया क्वेश्चन दे दिया, पॉज करें, कोड को बनाएं, इसकी हेल्प जरूर लें जो मैंने अभी आपके सामने लिखा है, और अगर नहीं बनता है कोड तो दोबारा आके देखें मैं क्या करने वाला हूं, ठीक है? ये जो हमारा कोड है सारा इसी को कॉपी करेंगे, ठीक है? और इसको कॉपी करके एंटर मारता हूं, इसी को यूज करेंगे। देखिए अब 1 2 3 4 कैसे आप प्रिंट करेंगे, इसका नाम जरूर चेंज कर लें क्योंकि एक ही मैक्रो के दो मैक्रोस, एक ही नाम से दो मैक्रोस नहीं बना सकते हम, ठीक है? मैंने आपको बताया था ये पहले। ये आपका कोड है, बस इसको उठा के आप जे कर दें, बात खत्म। अब आप जे को तीन तरीके से यूज कर रहे हैं, एक ही वेरिएबल को तीन तरीके से यूज किया जा रहा है। कहावत तो अक्सर ये सुनी है कि एक तीर से दो शिकार, यहां पे आप तीन शिकार कर रहे हैं। आप एक तो जे को यहां ये कह रहे हैं VBA को कि आपको कोड 10 टाइम्स रन करना है, दूसरी बार फिर आप कह रहे हैं कि आपको सेल A1 से A2, A3, A4, A5 जाना है, और साथ ही साथ अब आप ये भी कह रहे हैं कि जो J की वैल्यू होगी 1 2 3 4, वो जैसे जैसे रो चेंज होती रहेगी वो वैल्यू भी उसी के अकॉर्डिंग इंक्रीमेंट होती रहेगी, ठीक है? तो आइए इसको रन करें, मैं इसको रन कर रहा हूं, 10 टाइम्स आपका ये कोड रन होगा। आप देखिए पहला 1 आ गया, अब J क्या हो गया आपका 2,
तो रेंज ए टू डॉट वैल्यू इक्वल्स टू बना आपका 2, क्योंकि j में क्या पड़ा हुआ है 2, तो यहां पे j यूज हो रहा है प्रिंट करने के लिए, यहां पे j यूज हो रहा है आपकी रो नंबर्स पे मूव करने के लिए। तो आप इसको रन करें और देखिए आपका 2 आ गया, अब आपका 3 आ जाएगा, अब आपका 4 आ जाएगा, अब आपका 5 आ जाएगा। सो सिंपल, ठीक है। अब बहुत लोगों के क्वेश्चन होंगे कि क्या ये जरूरी है कि j को यूज किया जाए? नहीं, आप j यहां पे कुछ और वेरिएबल यूज कर लो, क्या फर्क पड़ता है, उस पे भी हम बात करेंगे, ठीक है, इसकी नेक्स्ट सीरीज में हम बात करेंगे। तो अभी सिर्फ आप ये देखो कि मैंने जे को 3 तरीके से यूज कर लिया, फाइनली आपका प्रिंट हो गया वैल्यू, ठीक है। तो गाइस ये हमारा पहला फॉर नेक्स्ट का सीरीज था, प्रैक्टिकली अभी इसका हमने कहीं यूज नहीं देखा है, वो हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले आपकी लूप्स में मास्टरी तो होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने आपके लिए 3 एग्जाम्पल्स बनाए हैं, आप इन पे खूब प्रैक्टिस करें, और अगर कोई डाउट होगा कॉमेंट सेक्शन में लिखें, और मेरे जितने भी यहाँ पे फ्रेंड्स हैं, आप जो ये इस चैनल के साथ जुड़े हैं, अगर आप देखते हैं कि किसी ने कोई क्वेश्चन पुटअप किया है, आप मेरी वेट ना करें, प्लीज उसकी हेल्प करें अगर आप वो चीज बना चुके हैं, क्योंकि हमें एज अ टीम काम करना है, तभी आप प्रोग्रामिंग में हम सब स्ट्रांग बनेंगे और तभी आपके हर एक क्वेश्चन को आंसर भी कर सकेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं अकेला थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल रहेगा सबके क्वेश्चन को आंसर करना। तो बने रहें सीरीज के साथ, और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सीरीज में, और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स फॉर नेक्स्ट पे करते हैं। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कॉमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।